हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं आपका अपना टेक्नोट्यूब यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग अपनी स्मार्ट बैंड M4 को कनेक्ट करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन के साथ, साथ ही साथ इसके सभी फीचर्स को भी हम लोग ट्राई करेंगे। तो गाइज, आज की वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस स्मार्ट बैंड के हम हर एक फीचर के बारे में बात करेंगे इस मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करके इसको। और हाँ गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चलिए लोग आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट गेमिंग में हो तो मेरे सेकंड वाले चैनल को जरूर से विजिट कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पे मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ और उसमें हम लोगों ने अभी नया नया बेस भी बनाया है। तो गाइज, हम लोग अब अपनी स्मार्ट बैंड M4 को फटाफट से कनेक्ट करते हैं। तो गाइज, इसको कनेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रोसेस होता है। आपको इस बैंड के अंदर एक मोर वाला ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आपको एक स्कैन मतलब QR कोड मिलता है। आप इस मोर वाले ऑप्शन पर देर तक टैप कीजिए, उसके बाद इस तरीके से आप जो इसमें जितने भी आपको फंक्शंस मिलते हैं उसमें से एक फंक्शन होगा यहाँ पर डाउनलोड ऐप का। आपको अपना कोई भी स्मार्टफोन ले लेना है और उस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो है एक QR कोड स्कैनर कोई सा भी डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन गाइज, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसके लिए गूगल असिस्टेंट का भी यूज़ कर सकते हैं और आपको ना अपने गूगल असिस्टेंट को मतलब बोल करके उसमें जो एक लेंस वाला ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कीजिएगा, फिर वहाँ पे आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और इस तरीके से आप अपना जो QR कोड है उसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करते ही आपको इस तरीके की एक वेबसाइट पॉपअप दिखाई दे देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक ऐप वाला मेन्यू वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे ये इसका ऐप है और यहाँ पर नीचे साइड में प्ले स्टोर का भी ऑप्शन होगा, तो आप इस वेबसाइट से सीधे प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे ये HRYFINE करके ये हारफाइन ऐप है इसका, जो कि गाइज इसको कनेक्ट करता है मोबाइल से, बैंड को हमारे मोबाइल से कनेक्ट करता है। तो मैं इसको फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पर ना ये डाउनलोड होने ही वाला है। डाउनलोड करने के बाद ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा और जैसे ही गाइज ये जो ऐप है ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इस ऐप को ओपन कीजिए, इसके अंदर एक सर्च वाला ऑप्शन आएगा। मैं इसको फटाफट से ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जिसको जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपसे काफ़ी ज़्यादा जो है परमिशंस मांगेगा, जैसे फ़ोन कॉल की, मैसेजिंग की, ब्लूटूथ की, लोकेशन की। तो ये जो ऐप है ना, इससे आप काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, अगर आप इसमें अकाउंट बनाना चाहते हैं तो अपना अकाउंट भी बना सकते हैं, नहीं तो गाइज नीचे आपको एक डायरेक्ट लॉगिन वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, आपको आपके डिवाइस की जो इन्फॉर्मेशन है वो बताएगा कि मेरा अभी डिवाइस ओप्पो का है तो ओप्पो के साथ किस तरीके से ये वॉच जो है कंपैटिबल है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशंस और मांगेगा, जैसे कि गाइज नोटिफिकेशन का, तो यहाँ पर आप जा करके इस ऐप की जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और रीड ऐप इन्फॉर्मेशन वाला जो भी यहाँ पर आपको मतलब जो भी पूछेगा आप उसको ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर आप एक बार देख पा रहे होंगे इस तरीके का जीरो स्टेप्स लिखा हुआ है। अब आपको सिंपली इस वॉच को कनेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इस वॉच से कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर ऐप में यहाँ पर माई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सर्च डिवाइसेस पर क्लिक कर देना है। गाइज, ये जो वॉच है इसमें हमेशा ब्लूटूथ ऑन रहता है तो उसकी चिंता आप मत कीजिएगा, यहाँ पर आपका जो डिवाइस है वो लोकेट हो जाएगा। फिर आपका जैसे ही डिवाइस लोकेट होगा आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर आपका जो डिवाइस होगा उस पर कुछ इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको उसको देर तक टच करके टैप करना है तो आपका जो डिवाइस होगा वो बिल्कुल इजीली कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद गाइज आपको फिर से इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव पॉपअप आएगा जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेगा, आप उसको रीड करना चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपने डिवाइस का जो कोड नेम होगा वो आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा, आप इस नेम को चेंज नहीं कर सकते, जहाँ तक मुझे पता आप नहीं चेंज कर सकते। उसके बाद नीचे साइड में आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको पहले यहाँ पर फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा, आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपकी वॉच वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आप वॉच में फाइंड माई फ़ोन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है ना वो रिंग करना स्टार्ट कर देगा, तो इससे आप एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं, यानी फ़ोन से वॉच को, वॉच से फ़ोन को। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मैसेज वाला है, मैसेज रिमाइंडर, इसमें से आपको जिसका ऑफ करना है उसको ऑफ कर दीजिए, जैसे व्हाट्सएप का आपको ऑन रखना है तो ऑन कर लीजिए। यहाँ पे फिर स्लीप मॉनिटरिंग वगैरह है। उसके बाद गाइज यहाँ पर एक और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला फीचर है, वो है रिमोट कैमरा। जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो आपकी वॉच में एक कैमरा बन जाएगा और यहाँ पर आप जैसे ही टैप करेंगे आपका जो फ़ोन है उससे एक सेल्फी क्लिक हो जाएगी। जैसे कि यहाँ मैंने अपने जो नीचे सेल्फ हीलिंग मैट रखा है उसका मैंने अभी यहाँ पे एक फोटो निकाला, तो यहाँ पे मैंने अपने जो स्मार्ट बैंड है उसी में क्लिक करके ये जो फोटो है वो निकाल लिया है। तो कुछ इस तरीके से गाइज आप लोग भी जो है सेल्फी ले सकते हैं या फिर अपनी फोटोग्राफ्स को दूर से ही क्लिक करवा सकते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। तो
ये वाला भी काफ़ी एक ऑसम फीचर है इस वॉच का। और गाइज देखते हैं हम लोग क्या क्या फीचर इस वॉच के हैं। तो यहाँ पे अगला फीचर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइब्रेशन को ऑन ऑफ करने के लिए, अगर आप अपनी वॉच में वाइब्रेशन नहीं चाहते हैं तो यहाँ से इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिंक्रोनाइज सिस्टम टाइम। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके जो स्मार्ट बैंड है उसका टाइम और आपके मोबाइल का टाइम सेम हो जाएगा, तो आप इससे बहुत ईजिली जो है टाइम सेट कर सकते हैं। अगला जो है वो है राइज टू वेक अप। इस वाले फीचर को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आप जैसे ही अपनी तरफ वॉच को फेस करेंगे आपकी जो वॉच है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी और आपको ऑटोमेटिक टाइम जो है शो कर जाएगा। तो ये वाला काफ़ी अच्छा फीचर है। आप अपने हाथ को इस तरीके से अपने फेस की तरफ कीजिए और आपको टाइम जो है ऑटोमेटिक शो कर जाएगा। तो ये वाला भी फीचर आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद ऊपर साइड में आपको डिटरमाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तब जा करके आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो सेव होंगे। तो यहाँ पर आप दोबारा से जो है मेन मेन्यू में आ जाइए। यहाँ पर आपको हर्ट रेट का सेंसर मिल जाएगा जिसको आप जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आपकी वॉच में भी ऑटोमेटिक जो हर्ट का सेंसर है, जो सेंसर लगा हुआ है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपना हर्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं, जिसके बाद गाइज आप इस तरीके से इसको ऑन या ऑफ यहीं से कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। उसके बाद बैक चलिए, यहाँ पर आपको स्लीप मॉनिटर का फीचर मिल जाएगा जहाँ पे आप कितनी देर सोए हैं ये चीज़ भी, ये जो डाटा है ये कलेक्ट कर सकता है अगर आप इसको इस तरीके से सेट करें तो। अगला जो है यहाँ पर ब्लड प्रेशर का है गाइज, लेकिन ये जो हर्ट रेट और ब्लड प्रेशर है ये सब आप फ़ोन से तो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो वॉच है ना ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बताती है। अगर आप ये जो वॉच है ना, ये जो वॉच है इसको आप ऐसे ही अगर मॉनिटर करेंगे तो भी ये शो कर देगा, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी फेक लगी इसमें। और बाकी यहाँ पर आप फीचर देख पा रहे होंगे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, इंडोर रनिंग, इन सब ये सब फीचर्स हैं इसमें स्पोर्ट्स के। इसका जो स्टेप काउंटर है ना वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है, आप जितने स्टेप चलेंगे सिर्फ उतना ही बताता है। तो इसके अंदर जो सेंसर लगा स्टेप वाला वो अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पर मैंने अभी आप देख पा रहे होंगे मैं इसको हिला रहा हूँ, जैसे कि हमारी वीएट स्मार्ट वॉच को हम लोग शेक करते थे तो वो स्टेप्स काउंट करना स्टार्ट कर देता था। एक्चुअली उसमें टाइमर पे होता था, जैसे 10 सेकंड हुए तो उसमें काउंट कर देता था, लेकिन इसमें ये फीचर नहीं है। और साथ ही साथ गाइज इसमें जीपीएस भी लगा हुआ है, तो इस वॉच के अंदर जीपीएस नहीं है। ये जो वॉच है, ये जो ऐप है, ये आपका मोबाइल फ़ोन का ही जीपीएस मतलब ट्रैक करता है। तो इस जो भी आप जो रन कर रहे हैं आप, तो आपकी जीपीएस की लोकेशन एकदम एक्यूरेट नहीं बताता गाइज, थोड़ा बहुत इधर 19-20 का फ़र्क रहता है। जैसे कि यहाँ पर मेरी लोकेशन शो कर रहा है लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहता, मैं मतलब इससे थोड़ा सा दूर रहता हूँ, तो जो एक्यूरेट लोकेशन है वो ये नहीं शो करता है, लेकिन हाँ एक एस्टिमेट बता देता है। और ये ऐसा इसलिए करता है ताकि आपकी कैलोरीज जो है वो काउंट कर पाए, आपका आप कितने किलोमीटर रनिंग किए हैं, आप कितने किलोमीटर वॉकिंग किए हैं, वो चीज़ एकदम एक्यूरेट रहती है। लेकिन जो जगह होती है ना वो इटसेल्फ एक्यूरेट नहीं रहती है। तो यहाँ पर आप इससे वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स आप इसके साथ ट्राई कर सकते हैं, इस वॉच के साथ, आई मीन स्मार्ट बैंड के साथ। और इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को मतलब ऑन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने अभी साइकिलिंग ऑन की है, और आप इस तरीके से अपना मैप भी ओपन कर सकते हैं, जो कि गाइज आपके मोबाइल फ़ोन में जो GPS लगा है उसी को ये ट्रैक करके बता देता है। और यहाँ पर गाइज आपको एक एनालिटिक्स वाला बार मिल जाएगा जिसके अंदर आप हर वीक, हर डे, हर वीक, हर मंथ, हर साल का जो है डेटा एकदम कलेक्ट कर लेता है ये। तो आप अगर महीने भर का अपना परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, अपने पूरे साल का आप अपना हार्ट रेट देखना चाहते हैं, अपना ब्लड प्रेशर देखना चाहते हैं, लेकिन वो सब एक्यूरेट नहीं होता। और जैसे आप अपना जो वर्क फ्लो है वो देखना चाहते हैं कि आपने कितना कैलोरीज बर्न किए पूरे साल भर में, वो सारी चीज़ें इसमें बता देता है। तो ये काफ़ी तगड़ा ऐप है, मतलब इसमें हर एक चीज़ पॉसिबल है। आप कितने स्टेप्स चलेंगे वो आपको मेन मेन्यू में ही बता देता है। आप इसमें अपना गोल सेट कर सकते हैं कि आपको एक दिन में कितने स्टेप्स चलने हैं। आप यहाँ पर जो कार्ड्स, यहाँ पर आपको ये लाल, पीला, नीला, हरा दिख रहा था ना कार्ड, उसको भी आप अपने हिसाब से मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको कौन सा कार्ड कहाँ पे चाहिए। तो गाइज ये था आज की इस वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गाइज मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।